मुझे अभी पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी अब कई एम साइन कर रही है इंडिया की यूनिवर्सिटी से सो वी आर रिप्लेसिंग ऑल द चाइनीज स्टूडेंट जो यहाँ आते थे विद इंडियन स्टूडेंट चाइना के जो इकोनॉमी गिरते जा रहा है इसके चलते हुए बहुत से उनके जो प्रोसेसिंग uh, इंडस्ट्रीज जितने भी है वो बाहर जा रहे हैं उसमें कम से कम 20-25 परसेंट भारत में आ रहे हैं आपके आपके तो, वजीर, तो नजर ही नहीं आ रही किस के पीछे छुपे पड़े थे वो फ्रंट लाइन में खड़े हुए थे और उसको भी छोड़ दें इटालियन प्राइम मिनिस्टर उनके साथ सेल्फियां ले रही थी और वायरल हुई हुई है इटालियन प्राइम मिनिस्टर उनकी ख्वाहिश होती है कि मोदी साहब के साथ खड़े होकर तो तस्वीरें बनाए अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका देते हुए जो चीनी स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में एक लाख प्रति वर्ष कोटा निर्धारित किया गया था उसे कैंसिल करके वह सारा कोटा भारत के पक्ष में जारी कर दिया है यह भारत के और अमेरिका के बढ़ते संबंधों के साथ साथ भारत की एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है इससे और क्या फायदे होंगे आइए जानने की कोशिश करिए द बिगर इशू इज ग्लोबल जियो और इंडिया की बहुत जरूरत है अमेरिका को इन मेनी वेस फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी अब कई एम ओ यू साइन कर रही है इंडिया uh, की यूनिवर्सिटीज से सो वी आर रिप्लेसिंग ऑल द चाइनीज स्टूडेंट जो यहाँ आते थे विद इंडियन स्टूडेंट बी कमिंग सो इज अ लॉट ऑफ नीड फ्रॉम इंडिया टेक्नोलॉजी की स्किल लेबर डॉक्टर्स इंजीनियर्स फिर इंडिया खरीद भी रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार अगर इंडिया को रशिया की डिपेंडेंसी हटा देते हैं तो फिर इंडिया 40-50 बिलियन डॉलर के हद तक हथियार शायद खरीद सके एवरी ईयर सो दिस प्लस इंडिया इंडिया के लिए अमेरिका इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तकरीबन अब 120 बिलियन डॉलर तक ट्रेड हो गया सो इट्स एन इम्पोर्टेंट चाइना के जो इकोनॉमी गिरते जा रहा है इसके चलते हुए बहुत से उनके जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जितने भी है वो बाहर जा रहे हैं उसमें कम से कम 20-25 परसेंट भारत में आ रहे हैं पहले फर्स्ट वेव जो था वो वियतनाम चला गया दूसरा वेव थाईलैंड कंबोडिया फिर टाइवान जिसमें गया अब बचा नहीं है वो उधर जाने का कोई स्कोप नहीं है भारत में आएंगे जैसे फॉक्सकॉम आया फॉक्सकॉम आया फिर टेस्ला आ, आ रहा है बाकी आ, भारत की सरकार ने यह भी लिया था कि आपके जो लैपटॉप्स डेस्कटॉप्स जितने भी आपके जो आ, आ, पैनल्स हैं ये सब इंपोर्ट करना बंद करना है चाइना से नहीं आना है भारत में बनाना है अब तो खैर उनको दो तीन महीने का मोहलत दिया है मगर जनवरी फर्स्ट से या फरवरी से वो बैन लागू हो जाएगा मतलब भारत में बनना वो भी शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे से आप देखिए हर चीज में भारत ने एक बेस बना दिया अब बेस में दो तीन और मुद्दे आप जोड़ के देखिए अब पिछले साल 2022 और 23 फाइनेंशियल uh, ईयर में भारत ने 4,800 करोड़ ट्रांजैक्शंस डिजिटली किए हमने 4,800 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन चाहे वो दस रुपया का हो या दस करोड़ का हो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हमने किया है भारत सब भारतीय मिलके इतना किए हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्पिटिटर जो है चाइना 1,800 करोड़ ट्रांजेक्शन किया है मतलब तीन करोड़ ट्रांजेक्शन चाइना से

उनको अब क्या जरूरत है कि मुसलमानों को छेड़ के अपना एक और कुछ स्कैंडल बना लें और और ले तमाशा बना लें लेकिन उसमें एक बात है मैं जो जो मुझे एक एक गिला मैंने जो नोट किया वो ये था कि ब्लूमबर्ग ने इसको कवरेज की दी है भारत के इलेक्शन को बीबीसी ने अल जजीरा ने फ्रांस ट्वेंटी ने वॉइस ऑफ अमेरिका ने हर लेकिन पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं कि इलेक्शन ये क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा आप सिर्फ बॉलीवुड की मूविया देखते हैं और सिद्धू मूसे वाले के गाने सुनते हैं इससे आगे नहीं जा पा रहे उनकी तरक्की भी देखे उनके इलेक्शन प्रोसेस भी देखे हैं उनके कि किस तरह वो सारा कुछ कर रहे हैं उधर नहीं जाना लेकिन चलें आपकी मर्जी है इस वक्त अगर देखा जाए तो आप कहीं भी किसी को भी नहीं किसी से भी इंप्रेस नहीं है आप अपनी दुनिया में मगन है आप चाहते हैं सातवीं सदी का इस्लाम हो यहां पे गदों पे आप फिर रहे हैं और फिर रहे हैं आप गदों पर आपकी यही है कौन सी करप्शन में आप इतने आगे जा चुके हैं कि मुझे लग रहा है कि 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 क्योंकि Foreign policy पे जो असर होगा एक ये है मोदी जब जाते हैं अब उनकी मुंह से बाहर नहीं निकलती अगर मैं ये कहा तो अब मिशिगन हार जाऊंगा ये कहा तो पेंसिल्वेनिया हार जाऊंगा ये कहा तो वो हार जाऊंगा इस तरह फंसे हुए हैं वो अटक प्राइम मिनिस्टर मोदी है कंट्री इज बिहाइंड

तो ऑलरेडी लोग कहने लगे कि अनदर बीजेपी लीडर करनी कुछ कहते हैं उनको जो रेलवे के मिनिस्टर हैं उनको शायद दूसरे पार्टीज विल से के वी विल सपोर्ट यू इन इफ यू हैव नॉन मोदी गवर्नमेंट इस तरह की बातें शुरू हो गई थी फिर तीसरी बात ये थी कि वो हार भी सकते हैं अब वो सब खामोश हो जाएंगे सारे के सारे मोनोपोली है भारत ने इस साल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट भारत में बनाना शुरू किया है मैं ये सब आपको क्यों कह रहा हूं कि आप समझ सकते हो कि तगड़ा बेस बन रहा है इसके ऊपर से आपको छलांग मारना बहुत आसान कोई भी देश किसी दूसरे देश की अगर कोई मदद करता है तो उसके पीछे उसका भी निहित स्वार्थ छिपा होता है हालांकि देखने से तो लगता है कि अमेरिका ने भारत के प्रति जो सहृदयता दिखाई है उदारता दिखाई है कि भारतीय विद्यार्थियों को वहाँ पढ़ने के लिए चीनी कोटा को निरस्त करके जो चीन का कोटा था वह भारतीय विद्यार्थियों के पक्ष में जारी किया जाएगा यह एक बड़ा भारत के लिए फ़ायदेमंद और स्वागत जो कदम है इससे भारत के दो फायदे होंगे एक तो जो भारतीय विद्यार्थी अमेरिका में पढ़कर भारत में आएंगे तो वे इतना दक्ष होंगे कि भारत के विकास में वे योगदान दे सकते हैं और दूसरा अगर वे वहीं रह जाते हैं और अमेरिका में नौकरी पाते हैं तो फिर जो कमाकर भारत में अपने परिवारजनों को भेजेंगे तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का वह कारक हो सकता है जो डॉलर में कमाई भारत की होगी लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका के इस उदारता सहृदयता के पीछे उसका निहित स्वार्थ क्या है और उसका निहित स्वार्थ यह है कि अमेरिका को पता है कि चीन की नकेल अगर कसनी हो तो भारत ही उसमें सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है क्योंकि चीन और भारत के बीच जो सीमाएं हैं सड़ती है दूसरा चीन ने कितने अपने पड़ोसी देशों को धमकी दे रखा है और दबाव बना रहा है लेकिन कोई भी देश चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा है पा रहा है केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो गलवान घाटी से लेकर अब तक चीन को करारा जवाब भी दे रहा है और लगता है कि चीन को अब आर्थिक मोर्चे पर सैनिक मोर्चे पर भारत शिकस्त देगा कहा जा रहा है कि अभी भी अमेरिका और चीन के बीच जो आर्थिक मामला है जीडीपी अमेरिका की अब भी चीन से ज़्यादा है साथ ही सैन्य शक्ति भी अमेरिका की ज़्यादा है लेकिन अमेरिका दो मुद्दों पर दो फ्रंट पर अभी लड़ रहा है पहले रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा था और दूसरा अब इजराइल हमास युद्ध में फिर अमेरिका फंस गया है और इजराइल की मदद कर रहा है अभी आज की खबरों में यह बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास के युद्ध में अमेरिका इतना फंस गया है और इतनी वह आर्थिक मदद कर रहा है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका जो मदद आर्थिक रूप से कर रहा था उस मदद से पीछे हट रहा है तो चीन अमेरिका को दो फ्रंट पर फंसा दिया है ताइवान पर भी चीन कुछ कर सकता है और ताइवान की सुरक्षा की गारंटी भी अमेरिका पहले से ले चुका है तो चीन फंसाते जा रहा है और अमेरिका फंसते जा रहा है अब चीन का मुकाबला करने के लिए चाहे आर्थिक रूप से हो या सैन्य शक्ति के रूप में हो भारत ही अमेरिका का मददगार साबित हो सकता है चाहे भारत के प्रति उसकी अमेरिका की सहृदयता समझिए या मजबूरी दोनों स्तर पर अमेरिका को भारत के साथ चलना ही है और यही कारण है कि अमेरिका ने भारत के पक्ष में चीनी विद्यार्थियों का कोटा कम करके क्योंकि चीनी विद्यार्थी जो आते थे अमेरिका में तो नौकरी पाते ही थे साथ ही अमेरिका में वह जासूसी का काम भी करते थे यही कारण है कि अमेरिका ने चीनी विद्यार्थियों का कोटा निरस्त करके भारत को दिया है और चीन के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि चीन की आर्थिक शक्ति जो है अब धीरे धीरे छीर्ण हो जा रही है और चीन से दुनिया के देशों का भरोसा हटा है और भारत पर बढ़ा है यानी ग्लोबल ग्लोबल सप्लाई चेन में अब चीन प्लस वन यानी जो वन होगा वह भारत को देखा जा रहा है इसके चलते भी अब भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है और अमेरिका जो भारत का पक्ष ले रहा है वह भारत के प्रवासी भारतीयों के पिछले रिकॉर्ड को देखकर क्योंकि प्रवासी भारतीय जो अभी अमेरिका में हैं छाए हुए हैं अधिकतर जो वहाँ के बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उसके सी हैं और अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव में भी दो तीन भारतीय उम्मीदवार बनने जा रहे हैं आज के लिए बस इतना ही जाए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय